देश की राजधानी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रही है। 45 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, करीब 600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के इर्द-गिर्द राजनीति भी चरम पर है। हर खेमे के लोग अपने अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने की फिराक में हैं। इस चक्कर में कितने ही लोगों ने गलत खबरें, भ्रामक जानकारियां फैलाई हैं, कितने ही मैसेज, तस्वीरें, वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। ऑल्ट न्यूज लगातार इन मैसेजेस, तस्वीरों, वीडियोस की पड़ताल कर रहा है और इनकी सच्चाई आप तक ला रहा है। इसी क्रम में हमें दिखाई दिया एक ट्वीट, जो कि किया गया था सुदर्शन टीवी के एडिटर सुरेश चौहान के द्वारा। सुरेश ने असल में एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। ओरिजिनल ट्वीट था @सत्यनिष्ठ हैंडल से। सुरेश चौहान के तंज कसते हुए कहते हैं कि अब कोई ये ना कहने लगे कि कपिल मिश्रा ने फ्रांस में भाषण दिया इसलिए वहां भी दंगा भड़क गया। अगले वाक्य में वो बिना किसी एक संत का नाम लिए हुए कहते हैं कि आर्थिक बहिष्कार एकमात्र उपाय है। ये संकेत समझ में आ जाता है जब आप सत्यनिष्ठ हैंडल से किए गए ट्वीट को देखते हैं। उसमें एक हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है जो कि इस्लामिक जिहाद की ओर इशारा करता है। चौहान के द्वारा इस्तेमाल किया गया फ्रेज आर्थिक बहिष्कार एक अरसे से कट्टर हिंदुवादी रवैया अपनाने वाले खेमे का बहुत बड़ा कीवर्ड रहा है। ये लोग इस बात में घोर विश्वास रखते हैं कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों का आर्थिक बहिष्कार करते हुए उन्हें समाज से काटने की कोशिश की जानी चाहिए। ऑल्ट न्यूज ने सुरेश चौहान का ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान में रखते हुए इस वीडियो की असलियत पता लगाने की शुरुआत की। सबसे पहले चूंकि ट्वीट में लिखा हुआ था, हमने गूगल पर ढूंढा फायर इन फ्रांस। यहीं पर हमें सफलता मिल गई। यूके स्थित डेली एक्सप्रेस की वेबसाइट का एक लिंक हमें मिला। मालूम पड़ा कि यह पेरिस के एक ट्रेन स्टेशन के पास 28 फरवरी 2020 की घटना है। ट्रेन स्टेशन का नाम है गेह दी ल्यों। इसके बाद इस घटना की पूरी जानकारी और इसकी वजह हमें बीबीसी के एक आर्टिकल से मिली। इसमें बताया गया है कि जिस जगह की यह घटना है वहां पास ही में कांगो के एक आर्टिस्ट फैली इपुपा का कॉन्सर्ट चल रहा था। कॉन्सर्ट के बाहर कुछ प्रदर्शनकारी मौजूद थे जो कि इस कॉन्सर्ट के खिलाफ थे, क्योंकि माना जाता है कि फैली की कांगो की सरकार से काफी नजदीकियां हैं। प्रदर्शनकारी कांगो की सरकार के भी खिलाफ थे और लगातार हर उस म्यूजिशियन की मुखालफत करते रहे हैं जो यूरोप में आकर परफॉर्म करने की कोशिश करता आया है। 2011 में भी फैली इपुपा का एक कॉन्सर्ट इन्हीं वजहों से कैंसिल हुआ था। 28 फरवरी का एक कॉन्सर्ट कांगो के म्यूजिशियंस के लिहाज से बेहद जरूरी था, क्योंकि इसके सफल होने से ही बाकी म्यूजिशियंस के भी यूरोप में परफॉर्म करने के रास्ते खुल सकते थे। इस पूरे राजनीतिक समीकरण के लिहाज से पुलिस भी चाक चौबस थी और प्रदर्शनकारियों को पहले ही माहौल गर्म न करने की चेतावनी दे चुकी थी। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प शुरू हुई और इतने में ही किसी एक प्रदर्शनकारी ने स्टेशन के पास खड़े एक स्कूटर में आग लगा दी। ये आग फैली और एक कार भी इसकी चपेट में आ गई। इसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आनन फानन में पुलिस को स्टेशन खाली करवाना पड़ा। YouTube पर भी जब हमने फैली इपुपा की कॉन्सर्ट के बारे में सर्च किया तो हमें एक वीडियो मिला जो कि इस घटना के वायरल हो रहे वीडियो के साथ और भी एंगलों से लिए गए अलग अलग वीडियोस दिखाता है। ये सारा प्रकरण दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज ने कवर किया है, लेकिन शायद सुरेश चौहान के तक ये खबर नहीं पहुंची और उन्होंने फ्रांस की इस कांगो की सरकार के विरोध में हुई घटना का वीडियो मुस्लिम विरोधी एंगल से ट्वीट किया और एक पूरी कौम के आर्थिक बहिष्कार का उद्घोष भी कर डाला। सुरेश चौहान के को उनके कथित राष्ट्रभक्त पने के लिए जाना जाता है और हर खेमे में वो अपनी अद्वितीय स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। इस मामले में भी उनका ये ट्वीट, इसका संदर्भ और इससे जुड़ी उनकी हर एक बात गलत पाई गई है।